रहे हो भावना, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चने का जोर, जो कि बिहार का बहुत ही फेमस डिश है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। चने का जोर बनाने के लिए हमें सबसे पहले रात भर भींगे हुए 2 कप चने लेने हैं। उसे अच्छे तरीके से धो लें पहले, ताकि उसमें किसी तरह की गंदगी ना रहे, और फिर हम उसे मिक्सी के जार में डाल के पीस देंगे। पीसने के लिए थोड़ा सा पानी उसमें ऐड करें, ज़्यादा पानी नहीं दें, उसे पीस लें। देखिए हमारा पेस्ट तैयार है। अब हम इसे देखिए, इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है। अब हम इसे दूसरे बर्तन में डाल देंगे। इसी तरीके से हम पूरे चने को पीस लेंगे और उसमें थोड़ा सा 2 से 4 चम्मच खड़ा चना डाल देंगे। खड़े चने को और पीसे हुए चने को दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। देखिए हमारा इस तरह का पेस्ट होना चाहिए। अब इधर हम कढ़ाई गरम कर दिए हैं, कढ़ाई को गरम होने दें। उसमें 1/4 कप तेल डालेंगे, 2 तेज़पत्ता, 1 चम्मच जीरा, 2 लाल मिर्च। अब हम उसे गरम तेल में डाल देंगे। देखिए हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम उसमें सारे मसाले डाल देंगे। सारे मसाले को अच्छे तरीके से चटकने दें, इससे एक अच्छी खुशबू आती है। खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें 2 प्याज, मीडियम साइज़ का प्याज काट के रखा है मैंने, उसे उसमें भून लेंगे। प्याज को अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट तक भून लेना है, गोल्डन ब्राउन होने तक। देखिए हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे तरीके से प्याज के साथ 2 से 3 मिनट तक भून लें, ताकि लहसुन का कच्चापन चला जाए और उससे एक अच्छी खुशबू आने लगे। देखिए हमारा मसाला भून चुका है। अब हम इसमें सारे सूखे मसाले डालेंगे, जिसमें 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच मिक्स मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर। सभी मसालों को अच्छे तरीके से भून लेंगे। सभी मसालों को अच्छे तरीके से मिला लें। ऐसे भी 2 से 3 मिनट पकाएं। सभी मसालों का कच्चापन निकल जाना चाहिए, तब तक इसे पकाते रहें। ये देखिए हमारे मसाले की कलर कितनी खूबसूरत आई है। अब हम इसमें 1 टमाटर छोटा छोटा काटा हुआ उसमें ऐड कर देंगे। टमाटर को भी मसाले के साथ अच्छे तरीके से सॉफ्ट होने दें। अब हम इसमें नमक डालेंगे, 1 चम्मच नमक डालें हैं। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालें। अब इसे अच्छे तरीके से मिला लें। नमक के साथ पूरे मसाले को अच्छे तरीके से भून लें, ताकि सारे मसाले में नमक मिल जाए। अब इसे ढक के 2 से 3 मिनट तक पका लें, ताकि हमारा टमाटर अच्छे तरीके से पक जाए। अभी देखा हमारा टमाटर सॉफ्ट हो चुका है, पूरा अच्छे तरीके से पक गया है। अब हम इसमें जो पीस के रखे थे चना, वो उसमें डाल देंगे। चने और मसाले को अच्छे तरीके से इसे मिक्स करना है और इसे भूनते रहना है। बीच बीच में चला चला के इसे इसी तरीके से मिला के भूनते रहना है। ऐसे बीच बीच में चलाते ही रहना है, ताकि हमारा चना का, देखिए हम इसे ढक के बीच बीच में ढक के पकाते रहें और बीच बीच में चलाते रहें, ताकि पूरा सूख जाए। इसे अच्छे तरीके से इसी तरह से चलाते रहें। इसे 10 से 15 मिनट लगते हैं पकने में। इसे आप अच्छे तरीके से बीच बीच में ढक के पका के चलाते रहें। इसे बनाने में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, ताकि ये अच्छे से भून जाए। ये देखिए इस तरह का टेक्सचर जब तक ना आए, 10 से 15 मिनट एकदम सूखा सूखा सा, जब दोनों अलग होने लगे, तब हमारा तैयार है। अब हम इसे टर्न ऑफ कर दिया। अब इधर पानी गर्म करेंगे 500 ml।
पानी को जब तक गर्म ना हो जाए तब तक वो मिक्सचर को उसमें नहीं डालना है। पानी देखिए हमारा गर्म हो गया है, अब हम उसमें सारे मिक्सचर को धीरे धीरे करके डाल देंगे। अब इसे थोड़ा सा ही पानी में पहले अच्छे तरीके से उसे मिला लें ताकि उसमें गांठ ना रहे। ये मैश करते रहें, डब्बू से अच्छे तरीके से मैश करके उसे मिला लें, देखिए इस तरीके का। अब फिर उसमें और पानी डालें, पानी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें 1 लीटर पानी ज़रूरत पड़ता है इतना चना में। ये देखिए हमारा टेक्सचर। अब इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और थोड़ा पानी पड़ेगा, पानी इसमें पड़ता है अच्छे तरीके से। अब इसे बंद कर देंगे, इसे 2 सीटी आने तक पकाएं। ये देखिए हमारे 2 सीटी आ चुके हैं, हमारा झोर तैयार है। इसे खोलकर हम देख लेते हैं, देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है, इसे बड़ी अच्छी खुशबू भी आती है। इसे अच्छे तरीके से मिला लें। अब इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल दें, जिससे कि हमारा बहुत ही अच्छा टेस्ट उभर के आता है झोर का। और घी ज़रूर डालें, आप पूरे घी को अच्छे तरीके से झोर में मिक्स कर दें। अब हम इसे सर्व कर देंगे। अब इसे धनिया पत्ती से गार्निश कर लें ये, और इसे आप चावल के साथ सर्व करें, चावल के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।